हेलो स्टूडेंट, मैं आरंभ तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। उन प्रश्नों को देखने के पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि आम को किन और नामों से भी जाना जाता है। तो आम को जाना जाता है किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा आम को जाना जाता है। बाथरूम फ्रूट भी आम को ही कहते हैं, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। एक है क्वेश्चन, मैंगो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मैंगो मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है हाजी कलीमुल्ला खान को। क्यों इनको मैंगो मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है? क्योंकि इन्होंने एक ही आम के पेड़ पे लगभग 300 वैरायटी को ग्राफ्टिंग मीडियम से ग्रो किया है, 300 वैरायटी को, जिसके कारण इन्हें सन 2008 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला। और इन्होंने कई ऐसी नई नई वैरायटियां विकसित की जिसको प्रसिद्ध लोगों के नाम के पर उन वैरायटियों का नाम रखा, जैसे अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व सीएम थे, नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव जीते तो उनके नाम पर एक नमो नाम की वैरायटी इन्होंने रिलीज की। उसके बाद 2019 में शाह नाम से भी एक वैरायटी इन्होंने डेवलप की। तो इसलिए इन्हें मैंगो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक प्लांट के ऊपर लगभग 300 वैरायटी को ग्रो किया। और किसके माध्यम से? तो ग्राफ्टिंग के माध्यम से। अब देखते हैं आम का जन्म स्थान कहाँ है। तो आम का जन्म स्थान हम मानते हैं इंडिया बर्मा के क्षेत्र में। सेकेंड क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। बात करते हैं फैमिली। तो आम किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता है एनाकार डीएसी से ये संबंधित है। और बात करें यही क्रोमोसोम नंबर की, तो आम का गुणसूत्र संख्या होता है 2n = 40। एरिया ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो अगर हम इंडिया के लेवल पर एरिया ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया आम का कौन स्टेट है? यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा एरिया में आम को उगाया जाता है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। और वर्ल्ड लेवल पर हम प्रोडक्शन बात करें कि कौन सा ऐसा देश है जो आम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो देश का क्या नाम है वर्ल्ड में अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो कंट्री है वेनेजुएला। सॉइल की बात करें तो आम के लिए किस तरह की मिट्टी उपयोगी होती है? तो लोमी सॉइल या दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल को ही दोमट कहते हैं, दोमट मिट्टी आम के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बात करें क्लाइमेट की, किस मौसम का फसल है? तो ये ट्रॉपिकल जिसको उष्ण कहते हैं, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ये फसल है। बात करते हैं प्लांटिंग टाइम, तो आम के पौधे को किस समय लगाया सकता है? तो जुलाई से लेकर अगस्त के महीने तक आम के पौधे को लगाया जाता है, प्लांटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बरसात का सीजन होता है और उस समय प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। स्पेसिंग, आम के जनरली स्पेसिंग रखते हैं, मतलब पौधे से पौधे, दो पौधे के बीच की दूरी हम कितनी रखते हैं? तो 10×10 मीटर। आम के दो पौधों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं? 10×10 मीटर रखते हैं। और यही बात करें अगर हम आम्रपाली की, आम्रपाली एक वैरायटी है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं? हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा हो जिसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा पौधे लग सके। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम कौन सी किस्म का उपयोग करते हैं? तो आम्रपाली का। आम्रपाली की स्पेसिंग हम कितनी रखते हैं? 2.5×2.5 मीटर स्क्वायर रखते हैं। तो इस हिसाब से 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? तो 1 हेक्टेयर में लगेंगे, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर किसी भी प्लांट का पूछ दे कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे और स्पेसिंग दी रहे, तो आपको पता है एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन में जितना एरिया लग रहा है, जितनी उसकी स्पेसिंग है, 2.5×2.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर आते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आम्रपाली के। नहीं तो सामान्य आम के पौधे कितने दूरी पर लगाए जाते हैं? 10×10 मीटर पर। बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में,
तो आम के पौधे में मैन्योर और फर्टिलाइजर में जो गोबर की खाद रहती है वो गड्ढे जिस समय आम के पौधे लगाने के लिए गड्ढे करते हैं उसी समय हम उसमें डाल देते हैं, लगभग 15 किलोग्राम प्रति गड्ढे। और पर प्लांट हम पहले वर्ष अगर एक वर्ष का पौधा है तो 100 ग्राम नाइट्रोजन जो आधी आधी मात्रा दो बार में करके देते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास, ये हम मात्रा देते हैं 100 ग्राम नाइट्रोजन की, 75 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास की मात्रा, ये ग्राम में है और ये पर प्लांट है। ये सभी क्या है, प्रति पौधे में दिया जाता है। अब बात करते हैं आम के कॉमर्शियल प्रोपोगेशन के, व्यवसायिक प्रवर्धन आम में कैसे करते हैं। तो आम में अगर सेक्सुअल प्रोपोगेशन भी होता है और ए सेक्सुअल भी प्रोपोगेशन होता है, तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन का मतलब होता है जो सीड्स के माध्यम से हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन। और ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो सीड को छोड़ के पौधे के अन्य कायिकी भागों से हो, अन्य वेजिटेटिव पार्ट से हो। तो इसमें कॉमर्शियल प्रोपोगेशन करते हैं हम वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। विनियर ग्राफ्टिंग में हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं, तो विनियर ग्राफ्टिंग में सबसे पहले एक पौधा रहता है जिसके जड़ जमीन से जुड़े रहते हैं, उनमें हम क्या करते हैं लगभग 22.5 सेंटीमीटर ऊंचे पे 2.5 से 4 सेंटीमीटर की कटान कर लेते हैं, यहाँ 2.5 से 4 सेंटीमीटर इतना काट लेते हैं। और एक पौधे की शाखा ले आते हैं जो नीचे वी आकार में रहती है, ये शाखा, इस शाखा को ले आके इसमें हम अटैच कर देते हैं, ले आके जोड़ देते हैं। तो वो भाग जो जमीन से लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पौधे का वो भाग जो जड़ के रूप में मूल वृंद के रूप में कार्य करता है, रूट स्टॉक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रूट स्टॉक। और जो शाखा हम बाहर से ले आके इस रूट स्टॉक में लगाते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं, तो सायन, उस शाखा को हम क्या कहते हैं, सायन कहते हैं। तो रूट स्टॉक और सायन, और इन दोनों का जो इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, जो शाखा का जड़ के ऊपर पड़े और जड़ का शाखा के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टियोनिक इफेक्ट, स्टियोनिक इफेक्ट। अब बात करते हैं अल्टरनेट बियरिंग, आम में अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है, या आप इस अल्टरनेट बियरिंग का दूसरा नाम क्या रहता है, ऑफ ऑन सीजन। ऑफ ऑन सीजन का मतलब है कि आम में एक साल फलत आती है एक साल नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कभी कभी आम, कभी कभी क्या समानता, आम में जो फल जो लगते हैं वो किस में लगते हैं, शीर्ष कलिकाओं में लगते हैं, टर्मिनल बड में लगते हैं, और जो शाखा रहती है एक्सिलरी बड से निकलती है। तो एक साल टर्मिनल बड पे शाखा नहीं निकलेगी और फल होंगे, और दूसरे साल वहां से एक्सिलरी बड से शाखा निकलती है, तो एक साल उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और एक साल प्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, जिसके कारण एक साल फल आते हैं और एक साल फल कम आते हैं। अगर ये कभी कभी ऐसा भी होता है हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी एक साल फल आते हैं, कभी कभी हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, हार्मोन की जो रहते हैं सही ढंग से नहीं निकलता है, तो जिसके कारण आम में क्या होता है कि एक फल आएंगे और थोड़े कम मात्रा में आते हैं। सीएन रेशियो, कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन का, कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो रहता है वो भी रेशियो अगर सही ढंग से नहीं तो आम में फल कम आते हैं। पॉलिनेटर, आम में पॉलिनेटर, पॉलिनेटर क्या होता है, जो आम में जो पराग के कण होते हैं, आम क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो आम में जो पराग के कण ले आते हैं जो पॉलिनेटर होते हैं, जैसे आम में पॉलिनेटर का वर्क कौन करता है, हाउस फ्लाई, घर की मक्खी जो रहती है घरेलू मक्खी, वो क्या करती है, आम के पराग के कण को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ले जाने का वर्क करती है। जब ये घरेलू मक्खी कम होती है तो क्या होता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो फलत भी आम में कम आएगी। तो ये सब कारण है अल्टरनेट बियरिंग और ऑफ ऑन सीजन के कारण आम को क्या कहा जाता है, आम में अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब ये है आपको कि एक साल फल आता है और एक साल फल नहीं आता है, तो ये मैंगो में पाई जाती है अल्टरनेट बियरिंग। तो अब हम बात करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईली एक्सपोर्टेबल वेराइटी ऑफ मैंगो, आम की सर्वाधिक निर्यात करने वाली कौन सी किस्म है, तो किस्म है अल्फांसो। अल्फांसो, अल्फांसो में कौन सा रोग लगता है, तो अल्फांसो में हाईली ससेप्टेबल किस रोग के प्रति सुग्राही है, तो स्पॉन्जी टिशू नामक रोग, स्पॉन्जी टिशू नामक रोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की सबसे मीठी कौन सी किस्म है, तो आम की सबसे मीठी किस्म है जिसका नाम है चौसा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की किस किस्म में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आम में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन आम के किस किस्म में सबसे ज्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है? तो वो किस्म है? मल्लिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना इज क्रॉस बिटवीन, रत्ना किसकी क्रॉस है? तो रत्ना नीलम गुड़े अल्फांसो की क्रॉस है, नीलम इंटू अल्फांसो। इसमें हम देखते हैं जो सबसे पहला हमारा रहता है वो क्या होता है? फीमेल होता है, और नेक्स्ट वन होता है हमारा मेल, नेक्स्ट जो रहता है वो मेल होता है। तो इसमें मादा कौन है? नीलम है, और नर कौन है? अल्फांसो है। इसको याद करने का ट्रिक है आरएनए, रत्ना इज इक्वल टू नीलम इंटू अल्फांसो। नेक्स्ट है सिंधु इज क्रॉस बिटवीन, तो सिंधु किसका क्रॉस है? तो सिंधु रत्ना इंटू अल्फांसो का क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमपाली इज क्रॉस बिटवीन, आमपाली किसी क्रॉस है? तो ये है दशहरी इंटू नीलम, इसको याद करने का ट्रिक है डी एन ए, दशहरी इंटू नीलम इक्वल टू आम्रपाली। अब बात करते हैं मल्लिका, तो मल्लिका किसकी क्रॉस है? तो मल्लिका में चेंज कर देते हैं हम, नीलम गुड़े दशहरी, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो नीलम का है उसको हम क्या करेंगे? फीमेल फ्लावर के रूप में लेंगे, और दशहरी को मेल पार्ट के रूप में हम लेते हैं। आपको पता होगा सिंधु जो वैरायटी है ये सीडलेस वैरायटी भी है, सिंधु सीडलेस वैरायटी है। इसके अतिरिक्त अन्य कई हाइब्रिड किस्म है, जैसे अर्का अनमोल, अर्का अनमोल किसी क्रॉस है? अल्फांसो इंटू जनार्दन प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्का पुनीत किसकी क्रॉस है? तो अल्फांसो। अब हम बात करते हैं आम में लगने वाले महत्वपूर्ण इंसेक्ट के बारे में। तो इंसेक्ट सबसे पहला मिलीबग, मिलीबग जो रहता है इंसेक्ट वो सफ़ेद कलर के होते हैं, और उसकी जो मादा होती है जो फीमेल मिलीबग होती हैं उसमें पंख नहीं पाए जाते, पंख विहीन होते हैं। और ये आम के कोमल टहनियों पत्तियों तथा फलों के और जो फूल रहता है उसके रस को चूसती रहती हैं, ये टहनियों से चिपकी हुई रहती है, वाइट कलर की रहती हैं, और ये टहनी फूलों से चिपकी हुई रहती है और उनके रस को लगातार चूसती रहती है, जिसके लिए इसमें ग्रीस बैंडिंग की प्रक्रिया की जाती है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है कि ग्रीस बैंडिंग किस इंसेक्ट के लिए किया जाता है? तो मैंगो मिली बग के लिए किया जाता है, मिली बग के लिए ग्रीस बैंडिंग करते हैं, जैसे तनों के चारों तरफ ग्रीस की बैंडिंग कर देते हैं, जिसके कारण ये इंसेक्ट पेड़ों में ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाते हैं। और गर्मियों के दिन में जो पेड़ के नीचे जो जड़ों के पास की चारों तरफ की भूमि को हम क्या करते हैं? खन देते हैं, जिसके कारण इसके अंडे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंसेक्ट की, मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर का भी काम क्या है? ये एक भूरे रंग का इंसेक्ट होता है, और जिसका काम क्या है? ये भी कोमल पत्तियों और टहनियों के क्या कहते हैं? रस को चूसते रहते हैं, मैंगो हॉपर। इसके अतिरिक्त फ्रूट फ्लाई जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो फलों के अंदर ही अपने अंडे दे देते हैं, फलों के अंदर अपने अंडे दे देते हैं, और ये अंडे से जब मैगेट बाहर निकलते हैं तो ये फलों के गुदे को खाते हैं, और फल जब गिर जाता है तो ये मैगेट लगभग 7 से 8 दिन में फ्रूट फ्लाई बन जाते हैं, फल मक्खी। उसके बाद तमाम इंसेक्ट हैं सूट बोरर, तना छेदक फली भेदक, कई तरह के इंसेक्ट इसमें लगते हैं। बात करते हैं डिजीज में, तो डिजीज में सबसे मेन डिजीज है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये SO2 गैस के कारण होता है, जो चिमनी या भट्टियों जो जैसे जो चिमनी रहती है ईटा भट्टा रहता है उसके किनारे जो बगीचे लगे रहते हैं वहाँ क्या होती है? SO2 गैस रिलीज होती है वहाँ से, और मैंगो के जो नीचे टिप पोर्शन होता है जो नीचे का भाग होता है वो पूरी तरह से काला हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बंची टॉप या मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज में क्या होता है? जो फूल होते हैं और जो शाखाएं होती हैं जो उसके सूट्स होते हैं वो एक गुच्छे के आकार में आ जाते हैं, और गुच्छे में आके उसमें क्या होता है? फल नहीं लगते हैं। ये किसके कारण लगता है? ये एक विषाणु जनित रोग है, ये एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट बात करते हैं एंथ्राकोनोस। एंथ्राकोनोस एक फंगस जनित रोग है, जिसमें क्या होता है? तने पत्तियां शाखाएं क्या होती हैं? सूख जाती हैं, जो नई तने शाखा पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? सूख के भूरे रंग की हो जाती हैं, और वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं एंथ्राकोस डिजीज में। और पाउडरी मिल्ड्यू भी फंगस के कारण लगने वाला रोग होता है। अब हम बात करते हैं इसके उपज की, यील्ड की। तो आम की यील्ड कितनी होती है? लगभग 100 से
150 kg पर प्लांट इसकी यील्ड होती है। तो ये थे आम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।